दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि क्या इसको खाने से किडनी में प्रॉब्लम होती है कि नहीं। दोस्तों ये देख लीजिए ध्यान से, बहुत से वीडियो में आपको दिखाया था। इसका नाम है श्री होला मुनक्का। ओनली 2 रुपीज़ में हमारे एरिया में मिलता है, बहुत से एरिया में 5 रुपये का, बहुत से एरिया में 10 रुपये का भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक पैकेट, देखिए ये है एक गोली, ओनली एक गोली 2 रुपये का मिलता है। इसको खाने से क्या किडनी में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, आज के इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं और फटाफट आपको इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे इसको खाने का क्या सही तरीका है। ठीक है, मैं आगे भी वीडियो बताऊंगा क्या खाने का सही तरीका है, लेकिन इस वीडियो में खाली आपको बताऊँगा कि क्या किडनी पर यह प्रभाव करता है कि नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये बिल्कुल भी किडनी पर प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये कोई अल्कोहल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो चीज़ पाया जाता है उसका नाम है कैनबिस। ठीक है, कैनबिस नाम की ये औषधि होती है, जो कि ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है बल्कि फ़ायदा देता है। नुकसान देता है कब, जब तरीका अलग हो जाता है यूज करने का। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों के कमेंट के मुताबिक मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि क्या ये किडनी पे प्रभाव करता है कि नहीं, तो जी नहीं, ये किडनी पे बिल्कुल प्रभाव नहीं करता है, बस आपका खाने पीने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये होता है पैकेट, ये इसको जब ओपन करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से मसल करके इसके अंदर, क्योंकि पैकेट वाला जो होता है तो इसमें कभी कभी लोग साफ़ सफाई से इसका पैक नहीं कर पाते हैं, बस उससे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लेबर मज़दूर जो भी लोग करते हैं काम या कंपनी में जो भी काम होता है तो कभी कभी कुछ मिस्टेकिंग से कहीं से भी आ जाती है, क्योंकि साफ़ सफाई या फिर न ध्यान देने की वजह से ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में कभी कभी पाया जाता है, कंकड़ उंकड़ कुछ भी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो इसके वजह से साफ़ सफाई को थोड़ा सा ध्यान देना है, पानी का सेवन थोड़ा बढ़िया से करना है। ठीक है, पानी का सेवन इसके साथ, जो भी पानी आप यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके किडनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी वजह से आपका पेट एकदम सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा, और भूख यानी कि पाचन क्रिया सही रहेगी, भूख बढ़ेगा, ज़्यादा भोजन आप लेंगे और पचेगा भी, और सुबह आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। सो दोस्तों, इसका सेवन जो है आप लोग जब भी करें नाइट में करें, मैं कई वीडियो में बताता हूँ यही चीज़ कि हमेशा इसका उपयोग नाइट में यानी रात में किया जाता है, दिन में ना करें, क्योंकि दिन में आप करेंगे तो अपने अपने काम में फिर व्यस्त नहीं हो पाएंगे, फिर सोने में व्यस्त हो जाएंगे, और जब ज़्यादा प्रेशर डालेंगे जागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके वजह से नींद भी आती है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो होता क्या है, माइंड पे असर पड़ता है, इसके वजह से ही आदमी पागल होकर लगता है घूमने फिरने। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान देना है, कभी भी दिन में नहीं यूज करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, या फिर आपके अंदर कैपेसिटी क्षमता हो गई है तब तो अलग बात है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा शाम को ही यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़, इसको यूज करते वक्त इस पानी का सेवन अच्छे तरीके से करना है, पानी ज़्यादा ज़्यादा लेते रहना है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पेट से रिलेटेड आपका पेट फ्रेश रहे, और हमेशा रात में ही इसका इस्तेमाल करना है। और आप लोग आज से निश्चिंत हो जाइए, कोई भी किडनी से रिलेटेड इससे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और शेयर करते वक्त उनको वीडियो देखने के लिए भी बोले, यानी कि शेयर करते ही मत छोड़ मत दीजिए, उनको बोल दीजिए कि इस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।